एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक नेक किसान रहता था अपनी पत्नी सुनीता और अपने दो बच्चों के साथ। उनका घर हालांकि छोटा सा था, प्यार और हंसी से भरा हुआ था। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। भगवान पर हमारा विश्वास हमारा मार्गदर्शन करेगा। मोहन अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सुबह से शाम तक अथक परिश्रम करता था। हे भगवान, जीवन के उपहार के लिए, मेरे परिवार के लिए और भूमि पर काम करने के अवसर के लिए धन्यवाद। सुनीता ने अपने बच्चों में ईमानदारी, दयालुता और ईश्वर में अटूट विश्वास का महत्व पैदा किया। याद रखना मेरे बच्चों, हमेशा दयालु और ईमानदार बनो। हमारा विश्वास हमें किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद करेगा। साथ मिलकर उन्होंने जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और दृढ़ संकल्प के साथ किया। उनके दिल आशा से भरे हुए थे और उनकी अटूट आस्था ने उनकी आत्माओं को ऊपर उठाया। मोहन और सुनीता के दिन ग्रामीण जीवन की लय से भरे हुए थे। वे साथ साथ काम करते थे, उनकी हंसी खेतों में गूंजती थी। देखो माँ, मैंने एक तितली पकड़ी। ये तो बहुत अच्छी बात है प्यारे, चलो अब जंगली फूलों की माला बनाते हैं। शाम को वे टिमटिमाते हुए तेल के दीपक के चारों ओर इकट्ठा होते, कहानियाँ सुनाते और गीत गाते। हमारा गांव एक घनिष्ठ समुदाय है, जहाँ हर कोई एक दूसरे की खुशियों और दुखों को जानता है। हमारे पास जो थोड़ा बहुत है उसे हम बांटते हैं और जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करते हैं। सच्ची दौलत भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि आत्मा की समृद्धि में निहित है। जैसे जैसे मौसम बदलते गए, वैसे वैसे गांव का भाग्य भी बदलता गया। एक साल मानसून की बारिश नहीं हुई। कभी हरे भरे खेत चिलचिलाती धूप में सूखे और फटे हुए थे। कुएं सूख गए और गांव वाले निराशा में देखते रहे, क्योंकि उनकी फसलें मुरझा गईं और मर गईं। माँ, मुझे भूख लगी है, हमें खाना कब मिलेगा? जल्दी ही मेरे प्यारे, बस अपनी आंखें बंद करो और मेरी कहानी सुनो। लोगों के दिलों में डर फैल गया, क्योंकि भुखमरी ने देश को अपनी चपेट में ले लिया था। मोहन और सुनीता ने अपने साथी ग्रामीणों के साथ दुर्दशा साझा की। प्रत्येक बीतते दिन के साथ अनाज के उनके अल्प भंडार घटते गए। आपकी काम सही कौश्य भाई थी। भगवान कृपया, हमें एक चमत्कार की जरूरत है। जरूरत के इस समय में हमें न छोड़ो। बच्चे, उनके चेहरे पीले और पतले, सवालिया निगाहों से अपने माता पिता की ओर देखते थे। सुनीता कहानियों और लोरी से उनकी चिंताओं को शांत करती, लेकिन उसका अपना दिल बेबसी से तड़पता। मोहन चमत्कार के लिए प्रार्थना करता रहा। कार के लिए एक शाम एक पवित्र व्यक्ति, एक साधु गांव पहुंचे। उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चेहरे से शांति और ज्ञान की आभा निकल रही थी। गांव वाले उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए, उनका आशीर्वाद मांगा और अपने दुर्भाग्य से कुछ राहत की उम्मीद की। मुझे बताओ मेरे बच्चों, तुम्हें क्या परेशानी है? साधु ने धैर्य पूर्वक उनके दुखों की कहानियां सुनी। मोहन, उसका दिल आशा की एक किरण से भरा हुआ, पवित्र व्यक्ति के पास पहुंचा। पवित्र व्यक्ति, हमारे गांव को सख्त जरूरत है। बारिश ने हमारा साथ छोड़ दिया है और हमारी फसलें मुरझा गई हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, कृपया हमारी मदद करें। साधु ने मोहन को ऐसी आंखों से देखा जो उसकी आत्मा में झांकती हुई प्रतीत हो रही थी। मेरे बच्चे, विपत्ति के समय में विश्वास की परीक्षा होती है। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति प्रबल है, लेकिन सच्चा विश्वास निस्वार्थ सेवा में निहित है। आज रात मैं आश्रय और भोजन मांगता हूं। केवल एक ही परिवार मुझे यह दे सकता है। आप में से कौन अपने दिल और अपने घरों को एक थके हुए यात्री के लिए खोलेगा? गांव वालों पर एक भारी सन्नाटा छा गया। वे सभी साधु के आशीर्वाद के लिए तरस रहे थे, लेकिन उनमें से कौन उन्हें भोजन और आश्रय दे सकता था, जबकि उनके पास खुद कुछ भी नहीं था? मोहन का दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने बच्चों को देखा, उनके चेहरे पतले और पीले, और फिर साधु को। उसकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। मोहन आगे बढ़ा
उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी। पवित्र व्यक्ति, हमारा घर विनम्र है और हमारे पास देने के लिए बहुत कम है, लेकिन जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत भोजन बचा है उसे साझा करने के लिए आपका स्वागत है। ग्रामीण हांफने लगे। उन्होंने प्रशंसा और अविश्वास के मिश्रण से मोहन को देखा। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल शुद्ध है और तुम्हारा विश्वास मजबूत है, आओ राह दिखाओ। मोहन, उसका दिल उम्मीद और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था, साधु को अपने विनम्र निवास पर ले गया। गांव वाले विस्मय में देखते रहे जैसे मोहन और साधु चले गए। वे आपस में फुसफुसाते रहे कि आगे क्या होगा। सुनीता ने चिंता से भरे चेहरे के साथ हाथ जोड़कर साधु का स्वागत किया। वह उसे अंदर ले गई और उसे एक खजूर की चटाई पर बैठने की पेशकश की। ये कौन है माँ? क्या यह एक पवित्र व्यक्ति है? बच्चे अपनी अपनी आंखों में जिज्ञासा के साथ दूर से देख रहे थे। सुनीता रसोई में चली गई। उसका दिल चिंता से भारी था। मुट्ठी भर चावल ही बचा था जो एक समय के भोजन के लिए पर्याप्त था। मैं ये कैसे करूंगी? उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वह मुख्य कमरे में लौट आई। उसके कांपते हाथों में एक थाली में रोटी का एक टुकड़ा था। मोहन ने अपनी पत्नी की आंखों में पीड़ा देखी और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दी। हाँ दीदी, सिर की दीदी, हमें विश्वास रखना चाहिए सुनीता। मोहन ने एक गहरी सांस ली और कांपते हाथों से साधु को रोटी दी। पवित्र व्यक्ति, हमारे पास बस इतना ही है, कृपया हमारी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। साधु मुस्कुराया और उसने कृपा करके रोटी ग्रहण की। जैसे ही उसने एक कौर लिया, कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा कई गुना बढ़ गया। दो हो गए, फिर चार, फिर एक दर्जन। क्या ये सच है? मोहन और सुनीता विस्मय में डूब गए। बच्चे आश्चर्य से आंखें फाड़े अपने माता पिता की ओर दौड़े। साधु खाता रहा और हर कौर के साथ और रोटियां प्रकट होती रहीं, जब तक कि कमरा भोजन की प्रचुरता से भर नहीं गया। देखो माँ, कितना सारा खाना, अब हमें भूख नहीं लगेगी। साधु अपनी भूख मिटाकर मोहन और सुनीता को अपनी आंखों में कोमलता और करुणा के साथ देखा। मेरे बच्चों, आपकी आस्था की परीक्षा हुई है और आप विजयी हुए हैं। आपने निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास का सही अर्थ प्रदर्शित किया है। उसने अपने झोले में हाथ डाला और मुट्ठी भर सुनहरे बीज निकाले। इन बीजों को बो और ये भरपूर फसल देंगे जो आपके परिवार और आपके गांव को आने वाले वर्षों तक खिलाने के लिए पर्याप्त होगी। मोहन और सुनीता कृतज्ञता से उनके हृदय भर आए, साधु के चरणों में झुक गए। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और एक कोमल मुस्कान के साथ रात में गायब हो गया। धन्यवाद पवित्र व्यक्ति। साधु के शब्दों के अनुसार उनके द्वारा उपहार में दिए गए बीजों से शानदार फसल हुई। खेतों में सुनहरी गेहूं लहरा रही थी और गांव वाले आनंदित हुए क्योंकि उनके अन्न भंडार बहुतायत से भर गए थे। मोहन और सुनीता के दयालुता और अटूट विश्वास के कार्य ने न केवल उनके परिवार को बचाया था बल्कि पूरे गांव में समृद्धि लाई थी। हम धन्य हैं सुनीता। हाँ मोहन, हमारे विश्वास ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। मोहन की धर्म परायणता और गुणा रोटी के चमत्कार की खबर दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी गांवों के लोग परिवर्तन को देखने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। याद रखें, यह विश्वास और दयालुता है जो हमारे मार्ग को प्रकाशित करती है।